Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay, see, now we are starting the first lecture of the first aid from the first aid or topic as ka neurology, ya nervous system. Okay, the first and the most important, I will say, जो टॉपिक इसमें स्टार्ट होगा ना वो है इसकी एम्ब्रियोलॉजी और आप एम्ब्रियोलॉजी से ही इसकी बहुत सारी बातें समझ जाओगे। सेकंड जो इसमें काम होगा वो स्टार्ट होगा जो वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन हमने डिस्कस किया है वो भी इसमें स्टार्ट होगा। सो अभी ये प्लीज इसलिए ना ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर जरा काइंडली फोकस कीजिएगा। पहले मैं आपको एक छोटी सी इसकी जो स्टेप्स है वो बता देता हूँ। हमारे पास बॉडी में तीन लेयर्स होती हैं। जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है ना उनको हम थ्री जर्म लेयर्स कहते हैं। वो जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं अगर आपको याद हो, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता था मीजोडर्म और एक क्या होती है एंडोडर्म। ठीक है, सो एक्टो है एंड देन वी हैव मीजोडर्म एंड देन वी हैव एंडोडर्म। इनको क्या कहा जाता है, इनको थ्री जर्म लेयर्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह तीन लेयर्स होती है। जो भी बॉडी में डेवलपमेंट होनी है वो इन्हीं थ्री जर्म लेयर से होती है। तो सबसे पहले जनाब दिस इज एक्टो, दिस इज मीजो, दिस इज एंडो। एंडो सबसे इनर होता है, एक्टो सबसे ऊपर होता है और मीजो मिड में होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पर ये जो डायग्राम है ना वो ये देखो, इसमें तीन लेयर्स आइडेंटिफाई करो। द मोस्ट आउटर दिस वन इज एक्टो, दिस वन इज मीजो एंड सबसे नीचे जाके एंडो। सही है, अच्छा जो एंडोडर्म है या मीजोडर्म उसके दरमियान में एक डॉट सा लगा हुआ है एंड द नेम ऑफ दिस इज नोटोकॉर्ड। क्या नाम है? नोटोकॉर्ड। दोबारा चलते, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी लेयर्स हैं, तीन। सबसे पहले वाली एक्टोडर्म, फिर यहां मैंने कहा जी एक डॉट सा लगा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के साइडों पे क्या पड़ा है? मीजोडर्म, इधर भी और इधर भी, राइट? और सबसे नीचे क्या पड़ा है? दिस इज द एंडोडर्म। पहले ये समझो, इनमें से जो सारी डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन स्टार्ट होती है ना वो इस डॉट की वजह से है, विच इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। ये क्या करते हैं, ये जो इसके ऊपर एक्टोडर्म है उसको एक्टिवेट करते हैं, इसलिए यहां टर्म यूज हुई है नोटोकॉर्ड इंड्यूसेस। इंड्यूस का मतलब एक्टिव करना, इसको ओवरलाइंग एक्टोडर्म को, ये देखो, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किस चीज में, इनटू न्यूरो एक्टोडर्म एंड फॉर्म द न्यूरल प्लेट। ये पॉइंट यहां तक ध्यान रखें। So, अब मैं अगर आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछूं कि न्यूरल प्लेट कहां से बनी है? नहीं, नोटोकार्ड एक्टोडर्म से बनाई। किसने है? नोटोकार्ड। अगर पूछूं न्यूरो एक्टोडर्म कहां से बनी? एक्टोडर्म से बनवाई, उसके पीछे नोटोकार्ड ने। तो मैं अगर आप और इसको बेहतर करूं ना तो मैं कहूंगा जो एक्टोडर्म है ना इट कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, रेदर थ्री पार्ट्स। यानी कल को मैं ये कहूंगा कि एक्टोडर्म से ये तीन चीजें बनेंगी। वन इज कॉल्ड न्यूरो एक्टोडर्म, उसको मैं एनईडी लिख रहा हूं। सेकेंड इज कॉल्ड सरफेस एक्टोडर्म एंड थर्ड इज कॉल्ड न्यूरल क्रेस्ट सेल, सॉरी सी। नाउ प्लीज जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। कहां से है तीनों चीजें? एक्टोडर्म से आएंगे। लेकिन एक्टोडर्म को स्टिमुलेट किसने किया है? नोटोकॉर्ड, उसने मेन ये काम शुरू कराया। और अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें बनी है उससे पहले न्यूरल प्लेट, न्यूरल फोल्ड, अभी मैं बताता हूँ। यानी डायरेक्टली सारा कुछ नहीं बना, जो ब्रेन है अभी हमने न्यूरल ट्यूब बनानी है, उस ट्यूब से ये बात की बातें आगे चली। अब यही बात मैं दोबारा आपके साथ करने लगा हूं। हमने क्या किया जी, सबसे पहले बनाया एक्टोडर्म, उसके बाद यहां क्या बनाया? नोटोकॉर्ड। जरा इधर प्लीज मेरी तरफ, ये आ गया मीजोडर्म और सबसे नीचे क्या आ गया? एंडोडर्म।
ये फर्स्ट, अब नोटोकार्ड ने जब उसको खींचा तो यहां एक डिप्रेशन सी बन गई। हाँ, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड सल्कस सुल्कस, वो तो ब्रेन में होता है ना, क्या इसको हम क्या कहेंगे स्टार्ट में बेटा, न्यूरल प्लेट आहिस्ता आहिस्ता बनेगी ना, ये जो सेंटर में इसका कुछ एरिया है ना जो नोटोकार्ड के ऊपर है, एक्टोडर्म का ये वाला एरिया, दिस इज एक्चुअली न्यूरल प्लेट, इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बनता है ना शुरू में, इसे कहते हैं ग्रूव, क्या कहते हैं, ग्रूव, ग्रूव, ग्रूव भी एक डिप्रेशन को कहते हैं, सल्कस भी डिप्रेशन को कहते हैं। अगली डायग्राम में क्या हुआ, मैं आप सिर्फ इसको बनाऊंगा ब्लैक वाले को, ये ग्रूव थोड़ा डीप हो गया। हाँ, अब ये जो मार्जिन है ये बन गए फोल्ड, इन्हें कहते हैं न्यूरल फोल्ड। तो पहले न्यूरल ग्रूव बना, फिर न्यूरल फोल्ड बना, न्यूरल फोल्ड अल्टीमेटली बिल्कुल ऐसे क्लोज हो गए, और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये अलग हो गया और नीचे ये एक अलग सर्कल हो गया इसी का। नाउ दिस इज कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब। तो सबसे पहले देखो न्यूरल प्लेट थी, उसके बाद ग्रूव बना, ग्रूव के बाद फोल्ड बना, फोल्ड के बाद न्यूरल ट्यूब बन गए। अब मुझे बताओ कि न्यूरल ट्यूब किस लेयर से बनी है, बेटा समझ रहे हो, कहां से बनी है, एक्टोडर्म। हमने मीजो और एंडोडर्म को तो छेड़ा ही नहीं है, हम तो बात ही इकरा किसकी कर रहे हैं, एक्टोडर्म की। और कौन ये सारा कुछ करा रहा है, नोटोकार्ड करवा। अब मीजोडर्म और एंडोडर्म को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, तो ये सारी चीजें बन गई और हमारे पास क्या बन गया, न्यूरल ट्यूब बन गई। अब एक्चुअली हम यहां पे आ गए कि नाउ वी हैव अ ट्यूब, ये मैं सपोज करो ये मैं एक ट्यूब बना रहा हूं। अब इस ट्यूब को हम कहते हैं प्राइमरी न्यूरल ट्यूब, या न्यूरल ट्यूब ही कह लो आप। इसकी दो ओपनिंग्स हैं, एक ये वाली ओपनिंग है, एक ये वाली ओपनिंग है, जो सर की तरफ है दैट इज कॉल्ड क्रेनियल, जो टेल की तरफ है दैट इज कॉल्ड काउडल। काउडा का वर्ड होता है टेल, क्रेनियल का मतलब है स्कल। तो हम इसे कहेंगे ये जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड क्रेनियल न्यूरोपोर, क्या कहते हैं बोलो यार, क्रेनियल न्यूरोपोर। और जो नीचे वाले उसे कहते हैं काउडल न्यूरोपोर। अब दो ओपनिंग हो गए, एक ट्यूब बन गई। अब इन ओपनिंग्स को ग्रेजुअली बंद हो जाना चाहिए। जो न्यूरल क्रेनियल न्यूरोपोर है वो मेरा ख्याल है 21 डे पे क्लोज हो जाता है, और जो काउडल है ये तकरीबन 27 से 28 डे पे क्लोज हो जाता है। अगर ये क्लोज ना हो तो देर इज अ पैथोलॉजी, वो हम अभी हम बात करेंगे कि वो क्या पैथोलॉजी। तो अभी देखो मैंने यहां तक आपको अगर मैं बात बताऊं तो ये देखो क्या चीजें मैंने बताई हैं, कि न्यूरल प्लेट बनती है, उससे न्यूरल ट्यूब बनती है, याद है। और एक मैंने न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी बताए थे, वो भी मैंने आपको समझा के भी ड्रॉ भी कर देता हूँ। अब ये नोटोकार्ड है, जब ये सारा कुछ कर लेता है तो फिर इसकी एंड पे क्या कह रहा था, ये खत्म हो जाता है या ये कोई और स्ट्रक्चर बन जाता है। तो नोटोकार्ड एंड पे न्यूक्लियस पल्पोसस बन जाते हैं, पक्का एमसीक्यू है, 100% आने वाला। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जी नोटोकार्ड एंड पे क्या बनेगा, हाँ शाबाश, क्या बनेगा, न्यूक्लियस पल्पोसस। ये मत कह देना कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, न्यूक्लियस पल्पोसस बनेगा। बेटा नोटोकार्ड जब अपना फंक्शन कर लेते ना तो उसके बाद इसके रेमनेंट को या इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। हाँ, अब वो क्या चीज है न्यूक्लियस पल्पोसस, आप लोग बताओ जरा, व्हाट इज न्यूक्लियस पल्पोसस। ये दो वर्टेब्राज हैं, इन वर्टेब्रा के दरमियान एक डिस्क होती है विच इज कॉल्ड इंटर वर्टेब्रल डिस्क। इसके इस डिस्क के दो पार्ट होती है, एक ये आउटर पार्ट है और इसके अंदर एक पार्ट है, ठीक है। जो आउटर पार्ट है इसका डेट इज कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसस, दिस आउटर पार्ट इज कॉल्ड
एनुलस फाइब्रोसस यानी फाइब्रस पार्ट है एंड दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसस। समझ गयो अहमद, ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है जब हम कहते हैं ना जी डिस्क हर्निएट कर गई है, हम कहते हैं जी उस पेशेंट की तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क खराब है विच इज कंप्रेसिंग द नर्व, तो अगर मैं इसको यहाँ और थोड़ा आगे लेके जाऊंगा तो मैं कहूंगा सपोज करें कि ये नर्व निकल रही है यहां से स्पाइनल नर्व, तो जब ये हर्निएशन कैसे होती है, हर्निएशन इस तरह होती है कि इस डिस्क में से जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो लीक हो जाता है थोड़ा साइड पे। एक मिनट रुको, यानी जो न्यू ये थे ना उसके ऊपर, तो ये कहीं एक साइड से ये एनुलस फाइब्रोसस डैमेज हो जाता है और उसके डैमेज होने के बाद इसके अंदर से जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो यहां से ऐसे बल्ज कर जाता है, इसको कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क हर्निएशन। आप मुझे बताओ क्या ये डिस्क उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही, पेशेंट को फिर पेन होती है, पेशेंट के डॉक्टर साहब पेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है नीचे जाके रेडिएट कर रही है मेरी टांगों में जा रही है, सो डिपेंड करेगा कि उसने किस सेगमेंट पे कंप्रेशन की। तो याद रखना जब भी कभी बात होना कि जी डिस्क हर्निएट हो गई है, सो दिस इज द स्टोरी, उसमें न्यूक्लियस पल्पोसस बल्ज कर जाता है उससे फिर ये कंप्रेशन कर रहा हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, बाकी और पैथोलॉजीज भी है उसके अंदर, ये नहीं खाली है। तो अब आपको पता चल गया कि नोटोकॉर्ड अल्टीमेटली क्या बनेगा, न्यूक्लियस पल्पोसस बनेगा। अब ये मैं मिटा रहा हूं। अच्छा अब ये आगे छोड़ो जरा कि बेसल प्लेट क्या होती है और ये एलर प्लेट क्या होती है। वैसे एलर प्लेट आप सिर्फ ये याद रखो स्पाइनल कॉर्ड में, याद है मैंने आपसे कहा था एलर मीन डॉर्सल, डॉर्सल मीन पोस्टीरियर और वेंट्रल मीन एंटीरियर या बेसल। अब आओ वो जो आपने न्यूरल ट्यूब बनाई थी ना वो ये है, जिसको मैंने प्राइमरी वेजिकल्स या प्राइमरी ट्यूब कहा था। अब उस न्यूरल ट्यूब के दो पोर्स हैं, एक नीचे वाला पोर है न्यूरोपोर, एक ऊपर वाला न्यूरोपोर, याद है, याद है ना। और मैंने क्या कहा था इनको क्या करना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ऊपर वाला कब, इट्स 25 और नीचे वाला 27, वो करेक्शन कर ले प्लीज, 21 वाली। अब इस न्यूरल ट्यूब को वी डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, ब्रेन के तीन पार्ट जो हम एफएससी से पढ़ते हैं हमें वैसे ही याद हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड, लेकिन यहां हम उनके मिड उनके दूसरे नाम यूज करेंगे। फोर ब्रेन इज कॉल्ड प्रोजन सेफेलॉन, सेफेलॉन इज ब्रेन लाइक, प्रो मीन पहले वाला फ्रंटल, तो प्रोजन सेफेलॉन, फिर आएगा मीजन सेफेलॉन, फिर आएगा रोम्बन सेफेलॉन। तो प्रोजन मीजन एंड रोम्बन, इसमें आप पी एम आर का फार्मूला याद रखें, सॉरी वो अभी 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 आगे जाते। सो पहले याद रखो प्रोजन मीजन एंड रोम्बन, ठीक हो गया, इन्हें कहते हैं थ्री वेजिकल्स प्राइमरी। फिर ये डिवाइड होते, फिर बनते हैं फाइव वेजिकल्स, पांच। उनमें से अब जो प्रोजन सेफेलॉन था ना पहला, वो दो में डिवाइड होते हैं, मीजन वाला डिवाइड होता ही नहीं है और रोम्बन वाला फिर दो में डिवाइड होता है। समझ गए। अब प्रोजन सेफेलॉन दिन जो चीजों में डिवाइड होते हैं उसका नाम है टीलन सेफेलॉन एंड डायन सेफेलॉन। इसको मैंने तो वैसे याद रखा था टेल एंड डाई, टेल एंड डाई, फिल्मों में होता है ना अक्सर मरते मरते शूट गोली की जाते जाते कुछ तो बता दो किसने मारा है, ठीक है। तो वो जी आपने टेल एंड डाई बताओ और जाओ, किसका है ये पार्ट, प्रोजन का। सो यहां पे भी रेड कलर फॉलो करो, यहां पे भी रेड कलर फॉलो, तो उससे दो चीजें बन गई, एक क्या बन गया टीलन सेफेलॉन, एक से डायन। अब जो टीलन सेफेलॉन है ना उससे क्या बना एक्चुअली ब्रेन के अंदर,
उसके अंदर मेन जो चीज बनी वो था सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये जो आप पढ़ती हो सारा, ब्रेन के दो हेमिस्फेयर साथ बन गए बेसल गैंग्लिया। और जो डायनसेफेलॉन था उससे क्या बना, उससे हमने कहा जी एक बन गया थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना। रेटिना याद है ना, मैंने आपको लोअर लिम में पढ़ाया था, कहां पे, आई में पढ़ा था। अच्छा चलो आई में पढ़ा। अब यहां से लेके ये रेड वाला पोर्शन कंप्लीट करो जी। दिस इज प्रोजन सेफेलॉन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेल एंड डाई। ठीक है, और याद कर दूं तो हमने तो बड़ा इसका फनी सा बनाया, पारो टेल एंड डाई, पारो टेल एंड डाई, प्रोजन सेफेलॉन से टीलन एंड डाय। अब टीलन सेफेलॉन से आगे क्या बनेगा वो आसान है, हेमिस्फीयर सिंपल। और जो डाई एक्चुअली जो हाइपोथैलेमस है उसको डायनसेफेलॉन ही कहते हैं, डायनसेफेलॉन इज अनदर नेम ऑफ हाइपोथैलेमस। तो उससे लाजमी बात है फिर थैलेमस हाइपोथैलेमस ही बनेगा और रेटिना बनेगा। अच्छा, जब ये बन रहे होते हैं ना सारे पार्ट्स, तो ब्रेन के अंदर उसका उसकी कैविटीज भी होती है, उन कैविटीज को हम वेंट्रिकुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो ब्रेन के अंदर वेंटिकल्स हैं कि नहीं, एमएल कौन से वेंटिकल्स हैं ब्रेन में, राइट वेंटिकल, लेफ्ट वेंटिकल, अच्छा वो हार्ट, ब्रेन में कौन से, हाँ ब्रेन में लैटरल वेंटिकल है, लिखा है सामने यार आपके, ब्रेन में लैटरल वेंटिकल्स होते हैं, थर्ड वेंटिकल है, ब्रेन में फोर्थ वेंटिकल भी है। अब वेंटिकल एक्चुअली ब्रेन में कैविटीज हैं, उन कैविटीज में सीएसएफ जा रहा है, तो सीएसएफ तो जरूरी था। ठीक है, अब जो टीलन सेफेलॉन है उसके साथ जो वेंटिकल बनेगा वो लैटरल है, डायन सेफेलॉन यानी थैलेमस के पीछे जो वेंटिकल बनेगा वो थर्ड है। बात समझ गए, तो पहला तो ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजन सेफेलॉन से क्या बनेगा। तो पी फॉर पारो टेलन डाई, टीलन डायन, टेलन सेफेलॉन से सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लैटरल वेंटिकल, और डायन सेफेलॉन से थैलेमस हाइपोथैलेमस रेटिना एंड थर्ड वेंटिकल। ठीक है, ना याद रहे तो उसका भी फॉर्मूला है, टी फॉर थैलेमस टी फॉर थर्ड, इस तरह कर लो। अब आ जाओ मिड ब्रेन यानी मीजन सेफेलॉन, बड़ा आसान है, डिवाइड ही नहीं होता। तो आप ये देख लो वही सेम कलर है, वही मिड ब्रेन बन जाता है। ठीक है, सो मिड ब्रेन उसी तरह चलता है, इसके पीछे भी एक वेंटिकल है। अब ये वेंटिकल एक्चुअली एक डक्ट की फॉर्म में है, उसे कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब ये क्या चीज है एक्विडक्ट, और ये क्या सिस्टम है सारा, देखो बेटा यहाँ पे इसको मैं, लेट मी शेयर, ये देखो, ये सपोज करो कि ये लैटरल वेंटिकल्स थे, दो कौन से थे, लैटरल वेंटिकल्स, लैटरल वेंटिकल्स के नीचे ना इधर पड़ा है थर्ड वेंटिकल, थर्ड वेंटिकल के नीचे इधर पड़ा है फोर्थ वेंटिकल। अब हमने इनको जोड़ना है, ये बड़ा जरूरी है और बड़े इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, जोड़ना है हमने। तो हम कहते हैं कि जो लैटरल वेंटिकल्स को थर्ड वेंटिकल के साथ जोड़ता है, तो यहां एक फोरामेन है, और जो थर्ड वेंटिकल को फोर्थ के साथ जोड़ती है तो यहां एक डक्ट है। अब फिर देख लो, ये मैंने क्या बनाया है, लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल वेंटिकल याद रखना दो होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर में एक लेफ्ट में। ये दोनों लैटरल वेंटिकल में से जो भी सीएसएफ बनता है वो इस फोरामेन के थ्रू, विच इज कॉल्ड फोरामेन मोनरो, उसके थ्रू ये गुजरता है और किधर जाता है ये जी, उससे गुजर के ये आ जाता है थर्ड वेंटिकल में, किधर आ जाता है थर्ड वेंटिकल में, ये थर्ड आ गया।
ठीक है. सो दिस इज दी थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल के बाद ये कौन सा वेंट्रिकल है? सो दिस इज दी फोर्थ वेंट्रिकल. ऐसे ही है. अब थर्ड और फोर्थ को कौन मिला रहा है? ये डक्ट मिला रही है, उसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट. क्या नाम है? सेरिब्रल एक्विडक्ट. ये कनेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट. थर्ड को, सॉरी, लैटरल को थर्ड से कौन मिलाते हैं? मोनरो. थर्ड को फोर्थ के साथ कौन मिलाते हैं? एक्विडक्ट. आगे आ गया फोर्थ वेंट्रिकल. यहां तक बना लिए. अच्छा, फोर्थ वेंट्रिकल क्या करते हैं? ये देखो जरा एक मिनट. ये फोर्थ वेंट्रिकल है. फोर्थ वेंट्रिकल आगे कंटिन्यू होता है विद द स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल केनाल. और इसके भी यहां दो फोरामिनाज होते हैं. वो फोरामिन जो इसको यहां से नीचे लेके जाता है, दिस इज कॉल्ड फोरामिन मेजेंडी. यहां ऊपर हमने कहा था एक्विडक्ट आ रही है ना, ये सीएसएफ इधर आ गया. यहां से फोरामिन निकल के थ्रू फोरामिन लुश्का सीएसएफ निकलता है और सब एरेक्नोइडल स्पेस में चला जाता है. सब एरेक्नोइडल स्पेस. सबरेक्नोइडल स्पेस. अब ना मैं वापस स्लाइड पे जाता हूं, उसको देखो पहले. सीएसएफ कहां बनता है भाई? सीएसएफ बनता है यहां कोरोइड लेटरल. एक मिनट यार, यहां कोरोइड प्लेक्सिस होते हैं. उन कोरोइड प्लेक्सिस से सीएसएफ बनता है. और ये कोरोइड प्लेक्सिस क्या है? ये कैपिलरीज हैं. कभी हम पहले भी बात कर रहे थे. कोरोइड प्लेक्सिस, उनसे बनेगा सीएसएफ. पहले सीएसएफ जाएगा लैटरल वेंट्रिकल्स में, वहां से जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में. जिस फोरामेन के थ्रू जाएगा उसका नाम है फोरामेन मोनरो. थर्ड वेंट्रिकल से ये जाएगा एक्विडक्ट में, वहां से जाएगा ये फोर्थ वेंट्रिकल में. ठीक है अबित? अबित फोर्थ वेंट्रिकल से ये सीएसएफ दो जगहों पे जाएगा. पहले तो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा थ्रू फोरामेन मेजेंडी, और फिर सब एरेक्नोइडल स्पेस में जाएगा थ्रू फोरामेन लुश्का. अभी इस लेक्चर में सिर्फ ये याद करो, आगे मैं इसकी ड्राइंग बनाऊंगा तो आपको बातें समझ आ जाएंगी सारी. फिलहाल जस्ट लर्न द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन. चलो जी, वापस चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमने यहां पढ़ा. हमने कहा जी, जब मिड ब्रेन बनता है तो मिड ब्रेन से मेसेंसेफेलॉन, उसे कहते हैं, कोई और चीज नहीं बनती, लेकिन पीछे केनाल बनती है. उस केनाल का नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट. उसके बाद आ गया हाइंड ब्रेन, या उसका दूसरा नाम क्या था? रोम्बन सेफेलॉन. इससे भी दो चीजें बनेंगी. एक का नाम था मेटन, एक का नाम था माइलन. रोम्बन से क्या बनेगा? हाँ, मेटन एंड माइलन. फार्मूला है रम. ठीक है, आर फॉर रोम्बन, एम फॉर मेटन, एम फॉर माइलन. कैसे पता चलेगा कि पहले मेटन है या माइलन है? अल्फाबेटिकली टी पहले आते हैं, वाई बाद में आते हैं. ठीक है, बंदा फंसा रहता है कि यार पहले माइलन आना था कि मेटन आना था. टी पहले आएगा तो मेटन पहले आएगा, माइलन बाद में आ जाएगा. अब मेटन सेफेलॉन से बाद में क्या बनेगा?
हाँ डायनसेफेलॉन तो कब का ऊपर से बन गया, मेटेनसेफेलॉन से। देखो बेटा मिड ब्रेन तक तो बना चुके हैं ना, अब हमारे पास नीचे क्या बचा है, पॉन्स बच गया है, मिडल ऑफ लंगेटा बच गया, बाकी तो हम बना चुके हैं। सो मेटेनसेफेलॉन से बनेगा पॉन्स एंड सेरिबेलम, ये याद रखने, और माइलनसेफेलॉन से बनेगा मिडला। सेरिबेलम भी तो कहीं फिट करना था ना हमने, तो तीन चीजें रह गई थी। तो मेटन से हमने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम दो बनाओ, पॉन्स भी और सेरिबेलम भी, और माइलन से कहा कि आप एक बना दो विच इज कॉल्ड मिडला। अब पीछे जो वेंटिकल रह गया था वो था फोर्थ, अब वेंटिकल एक है, स्ट्रक्चर्स दो हैं, तो एक को हम कहते हैं तुम अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंटिकल बना दो, दूसरे कहते हैं लोअर पार्ट बना दो, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो ये इस तरह आपको याद होना चाहिए। अब इसकी बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि आपको पता होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन कहाँ से डिवेलप, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड चीजें थी। रोम्बेनसेफेलॉन से बेटा दो चीजें बनेंगी, मैंने कहा था मेटेनसेफेलॉन, माइलनसेफेलॉन। पहले मेटन आएगा क्योंकि टी पहले आता है, बाद में वाई वाला आएगा। ऊपर से हम जब नीचे आ रहे हैं, हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना चुके हैं, हम मिड ब्रेन बना चुके हैं, अब नीचे पहले पॉन्स आते हैं, फिर मिडला, फिर सेरिबेलम, या पॉन्स और मिडला के पीछे सेरिबेलम। तो हम मेटेनसेफेलॉन से कहेंगे कि आप पॉन्स भी बनाओ और सेरिबेलम भी बनाओ, और माइलनसेफेलॉन से कहेंगे कि आप मिडला। अब पीछे वेंटिकल एक रह गया, वो दोनों आधा आधा कर लेंगे, जो अपर वाला है मेटन वो अपर हाफ बनाएगा, जो नीचे वाला है वो लोअर हाफ, ठीक है। चलो अब ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में दो एमसीक्यूज है, यू विल बी सरप्राइज कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीजें भी पूछते हैं। हमने कहा था कि वी हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वी हैव पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। मैं क्लास शुरू करने लगा था लेनी, लेकिन मैं रुक गया हूं कि चलो कोई बात नहीं, बंदा भूल जाता है। जो खबरदार सोमैटिक और ऑटोनॉमिक का किसी ने नाम लिया, वो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एनाटॉमी में ये डिविजन, अब खत्म, हमने डिस्कस कर लिया। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। सेंट्रल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अच्छा यार देखो और आसान कर लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज राइट इन द सेंटर, तो ब्रेन भी सेंटर में है, स्पाइनल कॉर्ड भी सेंटर में है, वो बाहर नहीं आता, वो कैविटीज के अंदर है। बाहर क्या आती है, उनकी नर्व्स आती है, तो नर्व्स ब्रेन से निकलेंगी तो क्रेनियल है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी तो स्पाइनल है। तो क्या फर्क पड़ता है, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कितनी है? गलत, 12 pairs, 13। स्पाइनल नर्व्स कितनी है? 31 pairs, 33 क्या है? 33 वर्टेब्रा है। कोई बात नहीं, मैं मेरा आएगा दिन, मेरा भी जिस दिन। अच्छा चलो चलो देखो, इधर छोड़ो, न्यूरल ट्यूब से इधर प्लीज। आप अभी क्या पढ़ के हो, क्या बना था? सारा ब्रेन डेवलप हुआ था, पहले 3 vesicle, फिर 5 vesicle, फिर सारा। उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं, उन एपिथेलियल सेल्स से न्यूरॉन्स बनते हैं। यानी न्यूरल ट्यूब के अंदर एक तो बार्ट्स बने ना, उनके अंदर एक्चुअली तो एपिथेलियम थी ना, उससे न्यूरॉन्स बने ना। यार देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है? न्यूरॉन्स। पॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स। मिडला क्या है? न्यूरॉन्स। तो न्यूरल ट्यूब की जब मैं बात कर रहा हूँ, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूरॉन्स। सो न्यूरो एपिथेलियल ट्यूब, उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स बने। अच्छा चलो ये भी देख लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो तरह के सेल्स हैं, सिर्फ दो तरह के। एक को हम कहते हैं न्यूरॉन्स और दूसरों को हम कहते हैं ग्लायल
सेल्स, क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स एंड ग्लायल। तो न्यूरॉन्स हमें समझ आ गई, जो ग्लायल सेल्स हैं दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग सेल्स। अब वो सपोर्टिंग सेल्स ये लिखे, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, कुछ मिस किए इन्होंने, माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया भी है, ठीक है, याद रहेगा। सो बताओ मुझे कि न्यूरल ट्यूब में से क्या क्या चीजें बन रही हैं, न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स यानी सपोर्टिंग सेल्स। फिर मैंने न्यूरल क्रेस्ट भी कहा था, मैंने कहा था कि नहीं, जो न्यूरल क्रेस्ट है ना वो हमारा सारे का सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन बना, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन थे वो कौन बना रहा है, न्यूरल ट्यूब। न्यूरल क्रेस्ट क्या बना रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में भी मैंने बता दिया था, नर्व्स आती हैं और सारा कुछ आता है, क्रैनियल नर्व्स आती हैं और स्पाइनल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही गैंग्लिया भी आते हैं, आप पढ़ के आए थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर गैंग्लिया में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया भी आते हैं जिसको आप सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ग्लायल सेल्स भी आते हैं, ब्रेन में भी आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी आते हैं। उन ग्लायल सेल्स का नाम है श्वान सेल्स या सैटेलाइट सेल्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है एड्रिनल मेडल्ला, मेलेनोसाइट्स जो मेलानिन बनाते हैं, जो कलर हमारा है, हाँ जी, फेस, ब्रैंकियल आर्चेस, ये सारे का सारा न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनता है। मैं इसको रेज करता हूं, देखो बड़ा आसान है याद करना, जो न्यूरल ट्यूब है वो सिर्फ ब्रेन और उसके न्यूरॉन बनाते हैं, जो न्यूरल क्रेस्ट सेल है ये बॉडी के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सारा बनाते, ये सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बनाते, ये सारे के सारे गैंग्लियास भी बनाते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड का मेडल्ला भी बना देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होते हैं, नहीं नहीं अपर लिम में, लोअर में, ये किडनी है, किडनी के ऊपर यहां पड़ा होता है ग्लैंड विच इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसके कितने पार्ट हैं, इसके दो पार्ट, अपर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स और इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडल्ला, ये लिखा है एड्रिनल मेडल्ला। अब याद रहेगा कौन बना रहा है, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल। आ रही है ब्रेन से आ रही है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो बेटा, मैंने आपसे पहले कहा था कि नर्व्स चाहे ब्रेन से आ रही हैं बट दे आर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, चाहे वो ब्रेन से ही आ रही है लेकिन ब्रेन से बाहर निकल रही है, उसमें ट्रेवल कर रही है, वो पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये एनाटॉमिकल डिविजन, फंक्शनली ये सारा मर्ज हो गया। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या न्यूरल ट्यूब है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बना लेती है, न्यूरॉन्स भी बना लेती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, तो फिर हमारे पास पेरिफेरल भी तो बच गया ना, वो कौन बनाएगा। उसके लिए हमने कहा था न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, उन्होंने कहा कि ठीक है हम सारा कुछ बना देते हैं, जो बाकी बच गए सारा कुछ बना देते। आखिरी बच गया मीजोडर्म, मीजोडर्म मैंने अभी एक वर्ड लिखा था माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया दे आर एक्चुअली दी मैक्रोफेजेस ऑफ द ब्रेन। सो एम से मीजोडर्म, एम से माइक्रोग्लिया, एम से मैक्रोफेज, जब कभी एमसीक्यू, एम से एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू आएगा आपसे पूछेंगे जी माइक्रोग्लिया क्या होता है, ये ब्रेन के माइक्रोफेजेस होते हैं। लो जी अब आ जाओ कि जो न्यूरल ट्यूब है अगर तो नॉर्मल बन गई फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर न्यूरल ट्यूब नॉर्मल ना बने तो क्या होगा जी, चार अभी बेटा अभी 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 मैं बात करता हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे मौका दो फिर आप लोगों को साथ साथ। मैंने आपसे कहा था कि ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, लगा सब रुका, ये क्या है न्यूरल ट्यूब है, इसके ये क्या है
न्यूरोपोर्स ओपनिंग्स, इसका क्या नाम था? क्रेनियल। इसका क्या नाम था? काउडल। ये कब बंद होता था? अगर ये क्रेनियल न्यूरोपोर बंद ना हो, क्रेनियल, व्हाट इज द डिफेक्ट? द डिजीज इज कॉल्ड एनेंसेफली। ब्रेन ही डेवलप नहीं होगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। दैट इज कॉल्ड एनेंसेफली। सो फेलियर ऑफ द रोस्ट्रल, रोस्ट्रल का मतलब है क्रेनियल। जो भी मैं बार बार बात कर रहा हूं, क्रेनियल न्यूरोपोर, नो फोर ब्रेन विल डेवलप। ओपन कैल्वेरियम, कैल्वेरियम क्या है? कभी पोस्टमार्टम देखे? पोस्टमार्टम में ये ऊपर से खोपड़ी काट के अलग करते हैं ना, हाँ, बाद में वो मतलब अलग सेपरेट कर लेते हैं उसे, उसे कैल्वेरियम कहते हैं। तो हम किसी को कहते हैं ना जरा खोपड़ी, वो खोपड़ी ये है एक्चुअली, ये फेस है, ये फेशियल बोन्स, खोपड़ी ये इतनी है, दैट खोपड़ी इज कॉल्ड कैल्वेरियम। समझ गए आप? कैल्वेरियम, कैल्वेरियम, एक्वेरियम नहीं, एक्वेरियम। हाँ, अलग बात है कि कैल्वेरियम बाद में एक्वेरियम भी बन सकता है, पानी डाल के मछलियां छोड़ दें, ठीक है। हाँ, अगर कहीं और यूज नहीं करना, प्रॉपर यूज तो आ जाए। सो अगर अगर फिर देख लो बातें शुरू हो, न्यूरोपोर बंद ना हुआ इंटीरियर वाला, तो डिजीज का नाम होगा एनेंसेफली। इसका मतलब है ना तो अंदर फोर ब्रेन बनेगा, ना उसके ऊपर खोपड़ी बनेगी। Now this child cannot survive. So either ये intrauterine death हो जाएगी इसकी, या ये delivery के बाद expire. ठीक है? अब इस हमें कैसे पता चलेगा अल्ट्रासाउंड पे कि इस patient को ये मसला है? एक तो developmental जब हो जाता है तो वैसे ही नजर आए। अगर आपको नजर नहीं आया किसी वजह से, तो there is a indirect evidence. इस मां के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज्यादा होगा, उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रामिनोस। अब ये क्यों ऐसे ज्यादा है, ये आप समझदार बच्चियां जरा मुझे बताएं। क्यों बच्चे उसको, मदर को पॉलीहाइड्रामिनोस होगा, व्हाई? जी, तो बेटा जब ब्रेन नहीं बनेगा तो क्या होगा? किडनीज का ब्रेन से, बेटा ब्रेन नहीं बनेगा तो स्वालोइंग रिफ्लेक्स नहीं आएगा, स्वालो ही नहीं कर पाएगा। उसका उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा तो बाकी कुछ कैसे काम करेंगे? वो स्वालो नहीं करेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता हाँ। तो जब ब्रेन नहीं बनता तो एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो जाते, दिस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रामिनोस। चलो अगली बात कर रहा हूं, ये तो एक बात खत्म हो गई। अगर पोस्टीरियर न्यूरोपोर बंद ना हो तो क्या होता है? अब ये देखो, मैंने क्या कहा था कि न्यूरोपोर को क्लोज हो जाना चाहिए, बट इफ दे फेल टू क्लोज बाय फोर्थ वीक, फोर्थ कितना बनेगा? फोर्थ वीक का मतलब क्या है? 28 दिन यार, ठीक है। तो ये बंद ना हुआ तो इसका मतलब है कि फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर पोस्टीरियर बंद ना हुआ, इंटीरियर तो हमने डिस्कस कर लिया ना, अगर पोस्टीरियर न्यूरोपोर बंद ना हो, द डिजीज इज कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा। अकल्टा नहीं, स्पाइना बाइफिडा। व्हाट इज स्पाइना बाइफिडा? चलो, आपके लेवल पे आपने बिल्कुल सही बात बताई है, बुजुर्गों को बताना चाहिए।
जी व्हाट इज स्पिना बाइपेडा? देखो बेटा पहले तो ये याद रखो उसका नाम आपको बता रहा है स्पाइना बाइफिडा। ये स्पाइनल कॉर्ड का मसला नहीं है, ये वर्टेब्रा का मसला, ये वर्टेब्रा का मसला। वर्टेब्रा बाहर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर अंदर होता है, ऐसे ही होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है उसके अराउंड ये वर्टेब्रा होते हैं। तो स्पाइना बाइफिडा इज नॉट द डिफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इट इज द डिफेक्ट ऑफ वर्टेब्रा। अब बात समझो, इसलिए डायग्राम में वो नजर आएगा ना आपको। अब ये जो लिखे ना कि फेलियर नहीं होता, तो यूजुअली किस वर्टेब्रा को इन्वॉल्व करते हैं? लोअर वर्टेब्रा। आप ये देखो यहीं से समझ आना चाहिए कि वर्टेब्रा का मसला है, और लोअर वर्टेब्रा का मतलब होता है लंबर वर्टेब्रा। अच्छा फिर क्या होता है इसमें? कहता है जी ड्यूरा मैटर जो है वो ठीक होता है, चलो बाद में बात कर लेते हैं क्या होता है। अब स्पाइना बाइफिडा अगर मैं खाली पूछूं ना क्या है, तो सिर्फ आपने मुझे इतना बताना है कि सर इट इज अ वर्टेब्रल डिफेक्ट। फिर मेरा सवाल है क्यों है? आपने कहना सर जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर था किसका, किसका न्यूरल ट्यूब का, सर वो क्लोज नहीं हो। अब मैं अगला सवाल करूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा। फिर आप बताओगे कि वन ऑफ द टाइप इज स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। अकल्टा का मतलब, या अकल्ट का मतलब होता है हिडन, हिडन। आप एक टेस्ट कराते हो ना स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड, उसका क्या मतलब है? स्टूल एनालिसिस करो फॉर हिडन ब्लड, कि जो नजर नहीं आता तो देखो कहीं माइक्रोस्कोपिक नजर आता है कि नहीं आता। अब स्पाइना बाइफिडा अकल्टा का मतलब भी यही है कि वर्टेब्रा का डिफेक्ट मौजूद है लेकिन ऊपर स्किन प्रॉपरली डेवलप हुई हुई है इसलिए वो नजर नहीं आ रहा। अब समझो बात, तो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा में स्पाइनल कॉर्ड का मसला बिल्कुल भी नहीं है, वर्टेब्रा का मसला है। अब वो देखो डायग्राम के अंदर, फिर आपको बात समझ आएगी। ये नॉर्मल है, एक साइड से शुरू करते हैं। ये क्या है वर्टेब्रा, ये उसकी वर्टेब्रल बॉडी है। ये हमारे पास क्या है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टेब्रा। ये क्या होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द वर्टेब्रा, और ये सेंटर में स्पाइनल केनाल होती है। इस स्पाइनल केनाल में स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल केनाल में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब जब डिफेक्ट की बात करते हैं तो नाउ दिस इज द डिफेक्ट। अब मुझे बताओ कि क्या इसमें वर्टेब्रा का डिफेक्ट है कि स्पाइनल कॉर्ड का? वर्टेब्रा का डिफेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह बैठा हुआ है आराम से, नथिंग इज कमिंग आउट, सो देर विल बी नो स्वेलिंग इन द स्किन जस्ट लाइक नॉर्मल। बस एक चीज आएगी कि उस जगह पे गुच्छा होगा बालों का, और ये भी जरूरी नहीं है, एक स्लाइट वहां टफ्ट ऑफ हेयर मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट, जरूरी नहीं। कई दफा उसकी जगह एक डिंपल होता है, जस्ट क्या होता है जस्ट एक स्मॉल डिंपल। इस तरह अगर कंडीशन हो तो दिस इज कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। पेशेंट को कोई साइन सिम्टम नहीं होना, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल भाग दौड़ रहा होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। और ये जो डिफेक्ट है ये उसे कुछ नहीं कहेगा, समझ गए? लेकिन अगर इस डिफेक्ट में से जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कवरिंग्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड कवरिंग्स पता है कौन सी है? उन्हें क्या कहते हैं? मेनिंजीज। मेनिंजीज क्या होती हैं जी? सपोज कर लेते हैं अभी मैं, चलो ये सपोज करें कि दिस इज दी स्पाइनल कॉर्ड, इसके ऊपर जो कवरिंग बिल्कुल इसके साथ चिपकी होती है ना, उसे कहते हैं पाया मैटर। इट इज स्ट्रॉन्गली अटैच विद द स्पाइनल कॉर्ड। फिर दूसरी कवरिंग आती है विच इज कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर। फिर तीसरी कवरिंग आती है विच इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। और इनके सेंटर में मैंने कहा क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। सेंटर में क्या होता है यार, प्लीज जल्दी बोलो।
तो सपोज राइट इन द सेंटर हियर इज द स्पाइनल कॉर्ड ग्रीन वाला, उसके ऊपर जो पहली कवरिंग रेड है विच इज पाया मेटल, ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच है, ये ऐसे ही है जैसे ऑरेंज के ऊपर उसका छिलका है। नहीं अच्छा ऑब्वियसली बात, अच्छा तो ये पहली का नाम क्या रखूं मैं, क्या नाम रखूं, पाया मेटल, सो दिस रेड वन इज पाया, ये जो पिंक है दिस इज एरेक्नॉइड मेटल एंड द रेड वन इज ड्यूरा। तो आप अगर इन साइड आउट जाएंगे तो पैड का वर्ड बनेगा, या आउटसाइड इन आएंगे तो डैप का वर्ड बनेगा। अब अगर क्या हो कि डिफेक्ट में से मेनिंजीज बाहर आ जाए, स्पाइनल कॉर्ड उधर ही रहे, मेनिंजीज बाहर आ जाए, आगे ना बाहर, अब मेनिंजीज में इधर तो सीएसएफ भी होगा ना भाई, उसकी वजह से स्किन पे एक स्वेलिंग भी बन जाएगी, इसे कहते हैं स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंगोसील। मेनिंगो मीन मेनिंजीज, सील मीन स्वेलिंग। अब अगेन देखो स्किन का मसला है, स्किन का बजाते मसला तो कोई, लेकिन स्वेलिंग तो हो गई ना बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इसको क्या कहते हैं स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंगो सील। और अगर स्पाइनल कॉर्ड भी साथ बाहर आ जाए then spina bifida with meningomyelocele या myelomeningocele। अभी भी स्किन मौजूद है कि नहीं, मौजूद है ना, स्किन में मसला तो कोई नहीं, स्वेलिंग तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से ना, तो इसका मतलब है अगर बच्चा इसके साथ पैदा होगा, स्किन नॉर्मल है, सिर्फ बालों का गुच्छा में समझ आ जाएगी कि दिस इज स्पाइना बाइफिडा कल्टा, कुछ नहीं करना, घर भिजवाएं याशी करे बच्चे, उसको कभी सिम्टम भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो स्वेलिंग के साथ आ रहा है, अब दो ऑप्शन कि क्या स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं आ रहा तो मेनिंगोसील ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट करके ये एक्स्ट्रा मेनिंजीज को निकालना पड़ेगा, इसको यहाँ क्लोज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, मसला कोई नहीं होगा, बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम मसला नहीं आएगा, वी जस्ट नीड टू क्लोज दिस और एक्स्ट्रा हम निकाल देते हैं, तो वो स्वेलिंग को एक्साइज कर देते हैं, स्किन ऊपर क्लोज कर देते हैं, पेशेंट फाइन, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड हो तो अब तो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑपरेट करना, मुश्किल हो जाएगा ना, यू हैव टू रीलोकेट और फिर उसके बाद एक्साइज करना, ये सारा इसका मतलब है कि किस में चांसेस हैं कि कल को उसको मसला होगा, माइलो में बेटा, अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया दरमियान में सर्जरी करते हुए उसको प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, हो सकता है लोअर लिम पैरालाइज हो जाए, दोनों कभी चल ही ना सके, हो सकता है उसका यूरिनरी कंट्रोल ही ना हो सकता है उसका फीकल कंट्रोल ना हो, तो ये बच्चे 3-4 साल तक तो वैसे ही नहीं पता चलता ना, इनका कंट्रोल नहीं होता, बाद में भी कंट्रोल नहीं होना, समझ गए, उस कंडीशन को कहते हैं मेनिंगो माइलो सी। अब आखिरी टाइप जो इस पे नहीं बनी उसका नाम है माइलोशीसिस, उसकी डायग्राम नहीं, इसका दूसरा नाम रेशीशीसिस भी है, ये सबसे डेंजरस फॉर्म है, इसमें क्या होता है कि स्किन ही नहीं होती, स्किन नहीं होती और स्पाइनल कॉर्ड बैक से आपको नजर आ रहा होता, क्योंकि उसके ऊपर वर्टेब्रा तो डिफेक्ट है ऑलरेडी नहीं है, स्किन भी गायब हो गई, अब आपको स्पाइनल कॉर्ड वैसे नजर आएगा सामने पड़ा हो, तो उसे कहते हैं माइलोशीसिस या रेशीसिस। इसमें एक्सपोज्ड है क्या चीज, स्पाइनल कॉर्ड विदाउट स्किन है, विदाउट मेनिंजियल कवरिंग है, ठीक है, और वहां पर स्पाइनल कॉर्ड सामने पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड माइलोशीसिस, इसकी भी सर्जरी ऑब्वियसली बात है। अब आखिरी सवाल है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेनिंगोसील है या मेनिंगोमाइलोसील है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं बेटा, आपको कैसे पता चलेगा, ऊपर तो स्किन नहीं है, वो दोनों में पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करो ना, जिस पेशेंट में स्पाइनल कॉर्ड भी आया हो सकता है उसमें ऑलरेडी कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो,
हाँ उसमें फीट फ्रॉग फीट टाइप उसके, यानी कहने का मतलब है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड का मसला हुआ तो वो वैसे ही पता चल जाएगा एग्जामिनेशन पे, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो आप सीटी या एमआरआई करवाते हैं, बच्चों में हो जाता है कोई मसला नहीं, ठीक है, उससे आप कंफर्म करते हैं एंड देन यू गो फॉर सर्जरी। ठीक है, सर्जरी से पहले पेरेंट्स को क्या बताना है, अगर मेनिंगो माइलोसील हुआ तो सर्जरी से पहले क्या बताना है, जल्दी बताओ, बताना है कि हो सकता है कल को ये बच्चा चल ना सके या इसके ऊपर फीकल या यूरिनरी कंट्रोल ना हो, ये बात आपने उसको बतानी। सॉरी क्या चीज, माइलो मेनिंगोसील में नहीं, कई दफा मेनिंगोसील में भी सर्जरी करते हुए खुदा ना खास्ता ऐसा को प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये आपने पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करना होता है। ओके जी, थैंक यू सो मच, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।